तकरीबन 600 वर्ष पुरानी गुफा देखने के बाद में अब हम आ गए हैं इस पहाड़ के ऊपरे हिस्से पर, जहां से आप इस बीहड़ रेगिस्तान मरुस्थल में बसे हुए कुछ गांव के घर देख सकते हो। दूर दराज के क्षेत्र तक सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी। और अब मैं आपको दोस्तों उस गांव के नज़ारे दिखाने जा रहा हूं, वो पुराने घर दिखाने जा रहा हूं सातलमेर के, जिन लोगों को मार दिया था भैरू राक्षस ने, और आज भी वो गांव बिल्कुल उजड़ा हुआ है। और उस गांव में जाने का जो रास्ता है वो यहां से बनता है। अब हम यहां से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे और एक एक कदम के साथ में हम इस रास्ते को अब और आगे हम पार कर रहे हैं। धीरे धीरे उस गांव का नज़ारा देखना जो आज भी उजड़ गया है, उस भैरव राक्षस की वजह से वहां पर कोई भी नहीं रहता है। काफ़ी सारे यहां पर आप ये पत्थरों के बने हुए जो छोटे छोटे घर देख रहे हैं, जो बचपन अपन पिट्ठू खेलते थे वैसे दिखाई दे रहे हैं। सावन भादो के महीने में जब यहाँ पर लोग आते हैं तो अपनी आस्था के हिसाब से अपने घर की मन्नत मांगते हैं और अपने घर में जितना फ्लोर उनको चाहिए उतनी ऊंची यहाँ पर बिल्डिंग बना के जाते हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं भाई, इन सभी ऐतिहासिक चीजों को देखने के लिए हमें कितने बीहड़ में आना पड़ता है। और इस बीहड़ में ना इंसान है ना इंसान की जात है, और इसके पीछे का कारण है भैरू राक्षस का डर। आज भी यहाँ पर इंसानी जनजाति बसने से डरती है, क्योंकि इस गांव के अंदर श्राप मिला हुआ था उस आतंक का, उस भैरव राक्षस का। और उस गांव को हम देखने जा रहे हैं, यहाँ से देखेंगे कि कुछ सबूत तौर पर कुछ निशान, कुछ घर यहाँ पर मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ करता था पहले के वक्त का सातलमेर, और ये सातलमेर बसा हुआ था 14वीं शताब्दी से पहले, यानी कि जो आज का पोखरण है ना, वो पोखरण पहले यहीं बसा हुआ था भाई। और जब यहाँ पर भैरू राक्षस का आतंक बढ़ता चला गया, लोगों को मारना शुरू किया, यहाँ के लोगों की जो आबादी है वो ख़त्म होती चली गई, क्योंकि एक के बाद एक वो सभी लोगों को मार देता था, ना बच्चों को छोड़ता था, ना औरतों को, ना बुजुर्गों को, ना बड़ों को, ना जानवरों को। उसके सामने जो भी आता था ना, उसी को दोस्तों खा जाता था वो। पोखरण पहाड़ के 1 किलोमीटर दूर चलने के बाद में हमें आज वो 600 वर्ष पुराना लोगों की मार काट वाला इस राक्षस के द्वारा यहाँ पे मचाए गए आतंक को देखने का मौका मिला है। दोस्तों पीछे की तरफ उजड़ा हुआ वो गांव, जिस गांव में रहने वाले हर एक इंसान को खा गया था भैरू राक्षस, और उस राक्षस के इस भयानक स्वरूप की वजह से ये गांव एक एक कर खाली होता चला गया, और आज यहाँ पर ये गांव सिर्फ और सिर्फ उजड़ की तरह हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज भी उस वक्त के बने हुए घरों के अवशेष मात्र इस प्रकार की दीवारों के साथ में ही बच गए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर उन लोगों की कमरे हुआ करते थे, घर होते थे जो इस गांव में रहते थे। और ये है दोस्तों भैरव राक्षस के प्रकोप से उजड़ा हुआ गांव, जो कि पोखरण की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। और आज भी यहां पर कोई जनजीवन इसलिए नहीं बसता है क्योंकि इस स्थान पर भैरव राक्षस की आज भी मौजूदगी लोगों के दिल में बनी हुई है। यहाँ पर अब आप इन घरों को देख सकते हैं दोस्तों, सारे का सारा उजड़, वीरान, सुनसान, डरावना, भयानक, खतरनाक, रहस्यमयी, तलस्मिकारी, और उस
खौफनाक इतिहास को बयां करता इन दीवारों के अंदर। जानो इनके लाल पत्थर उन लोगों के खून से रंगे हों। इनको देखकर ही ऐसा लगता है कि उन लोगों को जब मारा गया होगा बेरहमी के साथ में, जानवरों की तरह उनको खाया गया होगा उस भैरव राक्षस के द्वारा, तो इन्हीं दीवारों पर लहू लुहान हुए उनके शरीर, उनके अंग, इनके टूटे हुए घर उस वक्त के उजड़ की दास्तान को आज बयां कर रहे हैं। और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी मात्र एक कहानी नहीं, एक वास्तविकता है। जब कभी भी आप पोखरण में कदम रखते हैं तो सबसे पहले यहां पर जो चर्चा का विषय बनता है वो है बाबा रामदेवरा जी के द्वारा उस राक्षस का वध। और राक्षस के वध से पहले की जो दास्तान है दोस्तों, वो आपको झकझोर कर रख देती है कि यहाँ पर बसा हुआ था खुशहाल एक सातलमेर, लेकिन आज ये सातलमेर इन हवाओं की तरह शोर नहीं मचा रहा है। उन गांव के लोगों को देखकर यहां पर अरसा बीत गया है इन पुराने घरों के अंदर। जानो ये घर कह रहे हैं कि हम फिर से बसना चाहते हैं, लेकिन वो डर, वो खौफ जो भैरव राक्षस ने यहां पर अपना आतंक मचाया, वो आज भी इन घरों के अंदर, इन टूटी हुई दीवारों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कितना ज्यादा सुनसान एरिया, हर एक कदम में हम अपने कदमों की आहट को भी सुन सकते हैं। रात में यहां पर आने के बारे में सोचकर तो अच्छा लगता है, लेकिन यहां पर आना अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैरव राक्षस का आतंक आज भी यहां पर मौजूद है, लेकिन मैं आपको इस बात की चेतावनी जरूर दे रहा हूं कि जिस भैरव राक्षस ने यहां के लोगों को नरभक्षी बनकर खाया था, उनका घर परिवार यहां बना हुआ था, और आज इस उजड़ के अंदर इनकी दीवारें वो चीख रही हैं, हमें बचाओ, हमें छोड़ दो, इस तरह की जो उनकी आत्माएं हैं जिनको शांति नहीं मिली, शायद वो आज भी मोक्ष के लिए दर दर भटकती रही होंगी। इस इतिहास को देखकर एक बार तो यूं अच्छा लगता है कि आज हमने कुछ अलग से एक्सप्लोर किया, लेकिन उन लोगों की बेरहम खूनी दास्तान, भैरव राक्षस के उस आतंक को जिसने लोगों को चील कवे की तरह नोच नोच कर खा गया था, किसी को भी नहीं छोड़ा था, उनका घर परिवार यहां पर आज उजड़ दिख रहा है। और दोस्तों इस पूरी पहाड़ के ऊपर जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर दो चीजों का मिश्रण है, एक लाल रंग का और एक ब्लैक रंग का। ऐसा लगता है कि ना जाने कितने लाखों करोड़ों वर्ष पहले यहां पर लावा फूटा होगा, और उस लावा की जो लेयर्स है वो यहां बनी है, उसी की चारों तरफ चट्टानें आपको फैली हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों सातलमेर में, पोखरण में जब कभी आप आते हैं तो इस स्थान को जरूर देखिएगा, इतिहास को जानने का, इतिहास को खंगालने का मौका मिलेगा। चलते हैं अब इसके दूसरे भाग की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।